नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस रेडियो में। साथियों, आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें आप तमाम साथियों को अवसर मिलने वाला है। आपको बता दें कि लगातार हमारे बहुत सारे साथी का मैसेज आया है कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, उसका संपूर्ण सिलेबस पर एक बार चर्चा कर दीजिए। क्या उसके अंदर निगेटिव भी रहेगा? उसमें एज लिमिट पर सबसे ज्यादा मैसेज हमें मिले हैं कि सर, एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्या निगेटिव भी होगा? आज के सेशन के अंदर आपको केवल बीपीएससी के द्वारा आयोजित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बारे में जानकारी आपको देंगे, और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक परीक्षा 2.0 में लगभग 20,000 के आसपास पदों पर आपकी वैकेंसियां आने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप तमाम साथी अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर करिएगा, एकदम दबा के शेयर करिएगा, क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि इसका संपूर्ण सिलेबस क्या है, किस रणनीति के तहत हम तैयारी करें कि आसानी से चीज को अचीव कर ले। ठीक है, तो आइए एक एक चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका जो प्रश्न था कि सर, यह बता दिया जाए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें, बीपीएससी का जो सिलेबस होता है सर, वो सिलेबस उसके अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पोजीशन होता है, एक एक करके चर्चा करेंगे। आप अपना बहुमूल्य वक्त निश्चित रूप से दे रहे हैं, और उस बहुमूल्य वक्त में आपके पास जो चीजें जाएगी वो बहुमूल्य में भी वहां बहुमूल्य होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक सबसे पहला जो होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद दूसरा आ जाता है आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद आ जाता है पॉलिटी, उसके बाद इस सिलेबस के अंदर रहेगा आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स, उसके बाद इसके अंदर रहेगा आपको साइंस रहेंगे, साइंस रहेंगे, उसके बाद आपको बता दें मैथ रहेगा आपका, मैथ के बाद आपको बता दें रीजनिंग रहेंगे आपका, रीजनिंग रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स रहने वाला है, करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, अब आपको बता दें इससे इतर एक भी चीज नहीं रहने वाला। जैसे आप लोग दिग्भ्रमित होते रहते हैं, दिन भर में कई तरह के न्यूज आपके सामने आता है, और उस न्यूज के माध्यम से आपको बता दें, पेडागोजी की अगर हम बात कर लें, पेडागोजी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। एक प्रश्न पेडागोजी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आपको बता दें, हिस्ट्री जो आपका पूछा जाएगा इसमें एंशियंट आपका होता है, उसके बाद मेडाइवल होता है आपका, मेडाइवल होता है, और उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं। सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका किसी की होती है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री की होती है। ठीक है, वो किसकी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अहम भूमिका होती है। ज्योग्राफी की बात करें, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इसमें आपको दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी, जो कि बिहार स्पेशल के अंदर चले जाएंगे, तो इस पर भी आपको ध्यान देने हैं। पॉलिटी के अंदर आपको देखें तो बहुत ज्यादा चीजें से प्रश्न नहीं पूछी जाती है, लेकिन संविधान कैसे बना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं, संविधान के अंदर आपको जो प्रस्तावना है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ मूल संशोधन है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के इन्हीं 5-6 बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी को आपको पता है कि रंजीत सर के द्वारा पॉलिटी की कक्षा जो दी जाती है उसके अंदर आपको एक मॉडरेट लेवल की कक्षा आपको आगे मिलने वाली है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी भी सक्सेस की 92 के द्वारा आपको आयोजित हो चुकी है, एप्लीकेशन पर चल रहा है क्लास,
70वीं बीपीएससी हो गया, तैयारी 4 अपना चल रहा है, और इसके साथ साथ बीपीएससी के अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में प्रश्न के लेवल थोड़े से टेढ़ा रहता है, थोड़ा सा ये ऊंचा रहेगा, लेकिन इसी में आप बजट को थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बजट से प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स के अंदर बन जाता है। ठीक है, बजट को पढ़ना है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें लगभग लगभग तीनों का एवरेज 10 के आसपास, 10 से 12, 8 से 10, 10 से 12, लगभग 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद मैथ और रीजनिंग मिला करके 10 से 12 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल से आपको बता दे, लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको रहेंगे, करंट अफेयर से लगभग 22 से 25 प्रश्न यहां से रहेंगे, दोनों मिलाकर 40 हो गया। हिस्ट्री से आपका लगभग 30 प्रश्न रहता है, ज्योग्राफी से आपका 20 प्रश्न के आसपास रहेगा, उसके बाद पॉलिटी से आपका लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से आपके लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक से जोड़िए 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, 30, 100 और लगभग 20, 20, 40 और 10, 50, लगभग एवरेज में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसमें 1-2 प्रश्न का अंतर होता है इसी में, और कुल मिलाकर के ये 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब सर, पढ़ाई का अपना एक लेवल होता है, बीपीएससी का अपना एक लेवल होता है, आप वैसे जगहों पर ना पढ़े जहां पर न लोगों को ज्योग्राफी का अपना कुछ ज्योग्राफिकल चीज पता हो, न अपना कुछ इतिहास पता हो, केवल पैसे की थोड़ी सी 19-20 के चक्कर में पैसे को कम करके आपसे धोखा भी किया जा सकता है, धोखा भी होता है। आपको पता ही है कि एक ही मिशन होता है, जिस दिन सक्सेस की 92 का बैच लॉन्च होगा उसी दिन अपना बैच घुसा देना है, पैसे कम करके घुसाना है, और उसमें हमें क्या करना है, शिक्षकों को या अभ्यर्थियों को ठगने का काम करना है। पढ़ाई का लेवल देख लीजिएगा, बीपीएससी का अपना एक लेवल होता है सर, आपका बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा, आप हमारे यूट्यूब पे जाकर के क्लास को देख लीजिए, चाहे हिस्ट्री का देखिए, चाहे ज्योग्राफी का देखिए, चाहे पॉलिटी का देखिए, बिहार स्पेशल का देखिए, एक आध क्लास जरूर देख लीजिए। आप ABCD यहां नहीं कराए जाते हैं, 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं सर, 5 ऑप्शंस, सॉरी 5 ऑप्शंस नहीं, 4 ऑप्शंस रहने वाले हैं, 5 नहीं 4, ठीक है, 5 पहले रहता था लेकिन अब बीपीएससी के अंदर 4 हो गया है, तो 4 ऑप्शंस आपको रहने वाले हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दे देता है ए और बी, दोनों ए और बी, ए और एक ऑप्शन में कोई में रहेगा केवल ए, कोनो में रहेगा ए बी सी, तीनों कोनो में रहेगा केवल डी, इस तरह से रहता है, प्रश्न का लेवल आपका ज्यादा बढ़ा रहता है। इसके अंदर निगेटिव की जहां तक बात हम करेंगे, 1/3 निगेटिव भी रहेगा, सावधानी से नहीं पढ़ेंगे, फुल्ली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम जो है विपरीत आएगा, और बाद में फिर वही कहिएगा कि सर नहीं होता है ना कि बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता है, तो आप सक्सेस की 92 को समय से ज्वाइन कर लीजिए, आपका 2 तारीख से हम लोग कक्षा शुरू करने वाले हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर आप कह सकते हैं कि हमारे पीछे पीछे चलने वाले हैं, हमारा आज ये वीडियो आएगा तो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे के बाद 2 कॉपी वीडियो आपको मिल जाता होगा। ठीक है, पैसे कम करके वीडियो मिलते होंगे कि आपको लुभाने का प्रयास किया जाता है, और आप पूर्व में प्रधान शिक्षक में भी जीके जीएस का स्तर देखे होंगे, जीके जीएस के अंदर जो हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया है उसमें कितना मैक्सिमम को गणेश सर के द्वारा देखे होंगे कि वीडियो के अंदर भी बताया गया है कि हमने ये पढ़ाया ये मिला, ये पढ़ाया ये मिला, आपने राज सर के द्वारा भी देखा होगा ये पढ़ाया ये मिला, ये पढ़ाया ये मिला, तो जिन लोगों ने सामान्य अध्ययन पर अच्छी पकड़ बनाई थी उनका रिजल्ट हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं, तो वही बात है सर, आपको यहाँ पर पेडागोजी का कोई मतलब ही नहीं, एक प्रश्न भी नहीं पूछने वाला है, आपको इसी से पूछे जाएंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अंदर।
लेकिन जब अब आप प्रधान शिक्षक की बात करेंगे 2.0 में, जब प्रधान शिक्षक 2.0 आएगा तो उसके लिए पेडागोजी जब हम लोग पढ़ाएंगे, यूजीसी नेट लेवल का पढ़ाएंगे, जो आपका सिलेबस था उसके साथ साथ रिट लेवल का पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ केवीएस लेवल का पढ़ाएंगे, आप क्लास को देखेंगे, आप हमारे जितने भी क्लासेज हुए हैं पूर्व में आप एक बार देख लीजिए, खुद जो है एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद क्लास को ज्वाइन करिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा ही क्लास ज्वाइन करिए, जहां भी करना कीजिए, लेकिन एकदम सतर्कता के साथ करिए कि कहीं आप बाद में लगे ना जाए। दूसरी बात, चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, एज लिमिट की बात कर लेते हैं सर। क्योंकि एज लिमिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का ध्येय ही है सर कि जिस दिन सक्सेस की 92 का बैच लॉन्च होगा उसके बाद सटा के करेंगे, तो फोन करेगा लोग तो सक्सेस की 92 जी सर पेमेंट कर दीजिए, हो गया बात खत्म, ये होता है। ठीक है, हम ये आपको आगाह कर देते हैं, बाद में फिर हमें नहीं आप कहिएगा। चलिए एज लिमिट की बात अगर कर लेते हैं सर, तो आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है ये आपने देखा, तो इसमें एक चीज और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब योग्यता की बात कर रहे थे, योग्यता क्या रहने वाली है। ठीक है, तो योग्यता इसमें क्या रहेगा, कम से कम देखिए 10 वर्ष का अनुभव आपको रहेगा। ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव, उसके साथ साथ आपका जो है जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है ना, तो उसमें स्नातक स्तर ही वैल्यूएबल होता है, स्नातक आपका होना अनिवार्य है, इंटर नहीं होना चाहिए, स्नातक। और इसके साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि स्नातक के साथ 10 वर्ष का अनुभव, और अनुभव के साथ जो आपका होगा वो आप चूंकि शिक्षक हैं तो ऑलरेडी ट्रेंड ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, तो ट्रेंड की बात होगी, आप कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण होंगे प्राप्त किए हुए, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षित होने चाहिए। ठीक है, आप प्रशिक्षित होने चाहिए। ठीक है, ये बातें हैं, तो आपका 10 वर्ष का अनुभव, स्नातक और प्रशिक्षित आप यदि हैं, आपका प्रशिक्षण कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रशिक्षित हैं तो आप जो है सो एलिजिबल है इसके लिए। इसके बाद आपको बता दे एज लिमिट न्यूनतम आप जानते हैं 21 वर्ष होता है, मैक्सिमम जो आपकी बात करेंगे तो 21 वर्ष इसमें नहीं रहेगा न्यूनतम, कम से कम इसमें हमको लगता है कि 28 वर्ष या 31 वर्ष तक ले जाएगा, इसलिए 28 से 31, क्योंकि 10 वर्ष का अनुभव जोड़ेगा, न्यूनतम 18 से 10 अगर जोड़ेगा तो 28 हो जाएगा, और 21 से 10 जोड़ेगा तो 31 हो जाएगा, न्यूनतम आपका 31 रहेगा, और मैक्सिमम लगभग का जो है 48 वर्ष की आयु आपको दी जाएगी, 47 या 48 रहने वाला है, क्योंकि 42 वर्ष तक आप हर एक एग्जाम के अंदर देखते हैं जो फ्री एग्जाम होता है उसके अंदर, और 42 के बाद आपका चूंकि 10 वर्ष का अनुभव भी उसमें ऐड होता है, तो आपको चूंकि वो अनुभवी हैं जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको एज में वैसे तो कंडीशन नहीं लगता है कभी कभी, लेकिन इसमें कंडीशन रहेगा, क्योंकि लोग 8-10 वर्ष कम से कम नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो यहां पर आपको लगभग लगभग में हमें जैसा लग रहा है तो 48 वर्ष रहेगा आपका, या 52 वर्ष तक भी किया जा सकता है, तो ये अब नोटिफिकेशन आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन न्यूनतम 48 वर्ष वाले लोग जो है तैयारी में जुट जाए, और 52 वर्ष तक वाले भी तैयारी में शुरू कर दीजिए। हमारी जो कक्षा आपको चलेगी वो आपको 2 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर से आपका शुरू होने जा रहा है हमारा कक्षा। ठीक है, और 2 अक्टूबर से कक्षा जो शुरू होगा उसके लिए आपको ऐप पर क्लास शुरू होगा, ऐप सक्सेस की 92 अपना है, आपको पता होगा सक्सेस की 92, आप ऐप पर चले जाइए या आप सीधे सीधे आइए हमारे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं 8227871973, आपको बता दे दूसरा नंबर हम दे दे 8969094103, इसमें से किसी भी नंबर पर आप क्या करिए, किसी भी नंबर पर हमें मैसेज करिए लिख करके, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कक्षा करनी है। ठीक है, आप लिख करके भेजे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कक्षा करनी है। ठीक है, इस कक्षा इसमें आपको क्या करना होगा, जब मैसेज करिएगा हम आपको लिंक भेजेंगे, तो पेमेंट ऐप पर ही करना है,
इस पर नहीं पेमेंट करे, नंबर पर पेमेंट नहीं करे, चूंकि आप जान रहे हैं कि नंबर पर पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि अकाउंट में जितने भी बार पेमेंट आते हैं उतने सारे पेमेंट एड हो जाते हैं अकाउंट में, ठीक है। और उतना सारा ट्रांजेक्शन जो है जब टैक्स भरना पड़ता है ना तो उसमें जो है नोट करवाना पड़ता है एक एक करके कि कितना कहां से आया कैसे आया, तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है। जो स्पष्ट बात है सर वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, ऐप पर डायरेक्ट पेमेंट करना है। जब दिक्कत हो, जब कोई रास्ता ना हो, आप इस पर फोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, जाइए फटाफट आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर बता दे आपको, ऑफर भी आपको 2 अक्टूबर तक है, ठीक है। 2 अक्टूबर के बाद सक्सेस की 92 ऑफर नहीं देगी आपको, ये स्पष्ट बात है। 2 अक्टूबर के बाद जो है आपको फुल पेड करके तब कोर्स लेना पड़ेगा, इसलिए 2 अक्टूबर तक जाकर के कोर्स ले लीजिए। तो देखेंगे सर हमारे यहाँ कक्षा जो होती है उसके अंदर देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए आपको जान रहे हैं कि राज सर है स्पेशलिस्ट हिस्ट्री के लिए, राज सर। ज्योग्राफी आप जानते हैं, ज्योग्राफी की कक्षा आप लोग किए होंगे, ज्योग्राफी की कक्षा आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे जिसको अक्षांश देशांतर नहीं पता होता वो बीपीएससी की ज्योग्राफी पर आ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा यहां ज्योग्राफी आप गणेश सर से पढ़ेंगे, गणेश सर के द्वारा आपको ज्योग्राफी प्लस आप बिहार स्पेशल, एकदम बिहार स्पेशल आप देखे होंगे, मैप के एक्सपर्ट भी हैं वो, बिहार स्पेशल की कक्षा आप इनसे कर पाएंगे। पॉलिटी की कक्षा आप, पॉलिटी की कक्षा करेंगे किनसे, पॉलिटी की कक्षा रंजीत सर से करेंगे। पॉलिटी के साथ आपको बता दे करंट अफेयर्स आपको रंजीत सर के द्वारा क्लास दिया जाएगा, ठीक है, करंट रंजीत सर के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें इसके बाद रंजीत सर से, उसके बाद बता दें मेरे द्वारा खुद आपको साइंस की कक्षा दी जाएगी, साइंस मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, साइंस की कक्षा दूंगा। और इसके साथ साथ रीजनिंग की कक्षा मेरे द्वारा दी जाएगी, ठीक है, साइंस प्लस रीजनिंग की कक्षा आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ की कक्षा हम प्रतीक सर से आपको दिलवाएंगे, मैथ जो है प्रतीक सर भी देंगे, और आपको बता दें मेरे द्वारा भी दिया जाएगा प्रतीक सर, उसके बाद बलवीर सर के द्वारा भी आपको मैथ की कक्षा दी जाएगी। तो एक बेहतरीन जो है टीम के साथ आप क्लास करिए, क्लास करिएगा तो मजा जरूर आएगा, और मजा ही नहीं आएगा आपको सफलता भी दिलाएंगे, यकीन मानिए सफलता भी आपको दिलाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सामने ये नंबर है, आप निश्चित रूप से एक बार और हम आपसे आग्रह करेंगे, आप तनी मतलब कहते हैं ना पैसों के चक्कर में ना पड़ करके कुछ पैसे अगर आपको ज्यादा लग रहे हो तो आप सही जगहों पर क्लास करें, ये हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे। नहीं तो बाद में वही बात होगी कि फिर अक्षांश और देशांतर में आप घूमते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि अक्षांश किधर गया और देशांतर किधर गया, ठीक है। तो यही बात है, तो फिर एग्जाम में क्या होगा वो तो आप सभी समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शेयर जरूर करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे आप लोग कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी तो, और हाँ प्रखंड ये आपको बता दें प्रधान शिक्षक 2.0 के लिए जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए हम आपको पेडागोजी की कक्षा करवाएंगे अलग से, उसमें पेडागोजी चलेगा जब उसका जनवरी के बाद करवाएंगे। सामान्य अध्ययन पर पूरा फोकस रहेगा, सामान्य अध्ययन ही आपको प्रधान शिक्षक 1.0 में रिजल्ट गड़बड़ाया है। तो इस बार प्रधान शिक्षक प्रखंड शिक्षक शिक्षा पदाधिकारी हो या प्रधान शिक्षक हो 2.0, इसमें हम सामान्य अध्ययन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करने वाले हैं, किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, पूरी सामान्य अध्ययन पर पूरा फोकस करना है और आधे से अधिक अंक सामान्य अध्ययन से उठाना है, ठीक है, ठीक है, प्रधान शिक्षक के लिए भी। और इसमें तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में तो पूरा का पूरा आपको यही करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, निश्चित रूप से शेयर जरूर करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।